पश्चिम बंगाल चलते हैं, वहां पर भी हमारे किसान भाइयों बहनों से बात करेंगे। नमस्ते नमस्ते जी। प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। नमस्ते, मैं विकास गिरी हूँ, क्या शुभ दक्षिण। नाम? विकास गिरी नमस्कार मैं। बाबू, आपने नमस्कार, क्यों मौन अचेन? हालो अच्छी, आपकी क्या हालो मौन अचेन अचेन। सर। मैं एक फिश फार्मर हूँ, मैं प्रोग्रेसिव फिश फार्मर हूँ। पहले तो मैं ग्रेजुएशन पास करने के बाद नौकरी ढूंढ रहा था, उस ये टाइम पे असली नौकरी। असली मछली रखी है कि? हाँ सर, असली आपको दिखाने के असली। लिए सर, अच्छा, झींगा हाँ, अपने झींगा खेत भी लाए से। हैं तो हाँ बंगाली लोगों के तो मुंह में पानी छूट गया होगा। सर, मैं एक मछली पालक हूँ, तो मैं ग्रेजुएशन पास करने के बाद नौकरी ढूंढ रहा था, उस टाइम पे नौकरी नहीं मिला, बहुत कोशिश किया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके झींगा पालन, मछली पालन लेके उत्साह आए मुझ पे। फिर मैं निम्पिट केवीके के साथ संपर्क में आया, वहाँ पे 7 दिन का करीबन ट्रेनिंग लिया। वहाँ से मैं मछली पालन और मछली का हैचरी, मतलब मछली का बीज तैयार करने के लिए जो प्रयुक्त मतलब टेक्नोलॉजी है वो मैं सीखा। उसके बाद मैं मछली पालन और मछली का हैचरी लगाया अपना खुद। फिर वहाँ से अभी हम लोग देसी वाला जो मांगूर है उसका बीज तैयार कर रहे हैं। मैं लाया हूँ मेरे हैचरी से दिखाने के लिए सर आपको, ये सब मांगूर का सीड हम लोग का हैचरी में तैयार किया हुआ है। और सर कवई, देसी वाला जो कवई है उसका भी हम बीज तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद सर इसको ऐसे ऑक्सीजन पैकिंग करके फ्लाइट के माध्यम से सारा देश भर, केरला से लेकर सर हिमाचल से लेके सिक्किम तक, जहाँ पे हम लोग का कस्टमर है वहाँ से बाई फ्लाइट चला जाता है मछली का जो बच्चा है। हम ऑक्सीजन लोग ऑक्सीजन इंटरनेट फील करते कैसे हैं? इसमें ऑक्सीजन सर इस ये पॉलीथीन पैकेट के अंदर में मछली और पानी देके उसके बाद ऑक्सीजन इसमें डालते हैं, जो मतलब जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल के लिए यूज होता हाँ है हाँ वो हाँ ऑक्सीजन डाल के उसको पैकिंग करके फ्लाइट में हम लोग जितना भी एयरपोर्ट है हम लोग का कस्टमर है वहाँ पे भेजते हैं। तो वहाँ से फार्मर लोग सब मछली लेके जाके उसके मछली पालन करते हैं सर। हम लोग को आठ देखिए, माह से अब तो करीबन एयरपोर्ट की नौ संख्या हम बढ़ा रहे हैं, हवाई जहाज की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका भी धन्यवाद देश सर, में मछली नई नई जगह पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो हम लोग अभी आत्मा, जब हम हैचरी बनाए हुआ उस टाइम पे करीबन 2 लाख रुपया आत्मा से मिला हैचरी बनाने के समय पर। अभी सर मतलब सभी का भगवान का कृपा से हम मेरा आय जो है करीबन 8 लाख रुपया हो गया है। कम हम लोग का टर्नओवर जो है करीबन 20 लाख रुपया हम लोग का टर्नओवर है। तो और भी नया नया जो इनिशिएटिव है, नया नया मछली यहाँ पे आ रहा है, उसका भी हैचरी बनाने का मतलब अच्छी क्वालिटी का सीड देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीज ही सबसे अच्छा जो है जो फार्मर को अच्छी मुकाम तक पहुंचा सकता है। और तो कितने ये लोगों को बीज रोजगार दिया होगा आपने? मेरे फार्म में सर अभी करीबन 15 लोग एम्प्लॉयड है डायरेक्टली, और करीबन मुझसे यानी मछली 3 साल पहले आप खुद नौकरी ढूंढते थे और आज आप 15 लोगों सेल। को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, वाह, बहुत बधाई हो आपको। आइए, हम और भी कोई लोग होंगे आपके यहाँ? इतने बड़े उत्साही लोग बैठे हैं, सारे नौजवान हैं। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि सारे नौजवान इस काम में जुड़े हैं। बताइए। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, नमस्ते। नमस्कार माननीय बाबू, प्रधान। हाँ आपने क्या नमस्ते मन प्रधानमंत्री जी, आचेन? अभी भालो आछी, भालो आचेन, आप भी भालो आछेन? तो भालो आचेन। मैं अनूप छाटुई पश्चिम बंगाल का सुंदरबन से हूँ, और मेरा जो जमीन था पहले वो जमीन में इतना नीचा जमीन था कि मैं ठीक से चास नहीं कर पाता था। इसलिए अब मुझे तब मैं थोड़ा सोचने लगा कि मैं कलकत्ता चला जाऊं कि यहाँ पर ठीक से काम नहीं हो बन पा रहा है। इसलिए तब मुझे निम्बित कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा मुझे लैंड शेविंग का एक फार्मूला मिला, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग के बाद मैं उस मॉडल को अपना ज़मीन पे लगाया। लगाने के बाद मुझे लगा कि लैंड शेविंग जो है, जो एक जगह पर एक तालाब खोद के उसका मिट्टी को लेकर जो नीचा वाला ज़मीन था उसको मैंने उस नीचा ज़मीन का ऊंचा किया, ऊंचा करके जो एक फसली ज़मीन था वहाँ पर अभी 3-4 फसल हो जाता है। तो पहले में जब मेरा 30 से 35 हज़ार जो साल में इनकम था, अभी वो 3 लाख से ज़्यादा हो गया इनकम। और मेरे साथ साथ मेरे जो और भी किसान थे, मैं तो काम करता हूँ, मेरा परिवार भी काम करता है, मगर सर
उसी जमीन में और भी गांव का मेरा किसान भाई 5-6 लोग और काम करते हैं। और इस मॉडल को करीबन 1,000 से ज़्यादा लोग अपनाया है और वो इसका लाभ उठा रहा है। वाह, बहुत बड़ा और काम किया इस है आपने भाई, हैं? हाँ सर।